कार्य तथा ऊर्जा भाग एक, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। इस वीडियो में हम कार्य यानी वर्क की वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में जानेंगे। मान लो कि किसी दिन तुमने अपना सारा गृह कार्य खत्म कर लिया है और अचानक तुम किसी को यह कहते हुए सुनते हो कि तुमने अभी कोई कार्य नहीं किया है। शब्द कार्य का हमारे दैनिक जीवन में और विज्ञान में बिल्कुल अलग अलग मतलब है। तुम्हें क्या लगता है कि कार्य असल में क्या है? अब कुछ घटनाओं को देखते हैं जिन्हें हम तो कार्य समझते हैं, लेकिन विज्ञान इन्हें समझता है कि कार्य नहीं किया गया है। तुम कार को धक्का देने की कोशिश करते हो, लेकिन कार एक इंच भी नहीं चलती है। तुम कह सकते हो कि तुमने कार को चलाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन विज्ञान के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ है। अब मान लो कि तुम किसी नाव को चला रहे हो या तुम किसी नदी में तैर रहे हो। इन अवस्थाओं में तुम और विज्ञान दोनों ये मानोगे कि कार्य हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में हम मानसिक मेहनत और शारीरिक मेहनत दोनों को कार्य समझते हैं, लेकिन विज्ञान कार्य को बिल्कुल अलग तरह परिभाषित करती है। पहले हमने बहुत से क्रियाकलापों को देखा जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। अब क्या तुम उन क्रियाकलापों के बारे में कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो? कार्य कौन कर रहा है? कौन सा कार्य हो रहा है? वस्तु पर क्या प्रभाव हो रहा है? अब उन अवस्थाओं पर नजर डालते हैं जिन्हें विज्ञान कार्य मानती है। तो यहां कार्य हो रहा है क्योंकि तुम फुटबॉल पर बल लगा रहे हो और ये विस्थापित हो रही है। इस अवस्था में कार्य होने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। एक, वस्तु पर बल लगना चाहिए। दो, वस्तु को विस्थापित होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती तो विज्ञान के अनुसार इसे कार्य का होना नहीं माना जाता है। अब क्या तुम अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण सोच सकते हो जहां विज्ञान के अनुसार कार्य का होना माना जा सकता हो? अब एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं और किए गए कार्य के लिए गणितीय सूत्र निकालते हैं। इस क्रियाकलाप में हम ये मानते हैं कि वस्तु पर बल जिस दिशा में लग रहा है, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है। एक लकड़ी का टुकड़ा लो और इसे मेज पर रखो। माना कि लकड़ी के टुकड़े पर एक नियत बल F कार्य कर रहा है। माना कि लकड़ी का टुकड़ा बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होता है। माना कि यहां कार्य W होता है। यहां किया गया कार्य W बराबर बल गुना विस्थापन बराबर F गुना S। इसलिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के समान होता है। कार्य में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है किया गया कुल कार्य क्या होगा जब लगने वाला बल शून्य हो या वस्तु का विस्थापन शून्य हो? तुम्हें क्या लगता है कि कार्य हमेशा धनात्मक होता है या ऋणात्मक कार्य जैसा भी कुछ होता है? अब ये देखने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं कि किया गया कार्य हमेशा धनात्मक है या नहीं।
मान लो कि एक लकड़ी के टुकड़े को मेज पर क्षैतिज रखा गया है और इस टुकड़े से एक धागा बंधा हुआ है। यहाँ टुकड़े का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में है। अब हम धागे को खींचते हैं। इस अवस्था में किया गया कार्य विस्थापन तथा बल के गुणनफल के बराबर होगा। इस अवस्था में कार्य धनात्मक है। माना कि एक कार एक समान वेग से बाईं से दाईं ओर चल रही है। अब हम इसे रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, जो कि दाईं से बाईं ओर है। अब गति की दिशा और बल की दिशा के बीच 180 अंश का कोण है। इस अवस्था में किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। किया गया कार्य हो सकता है F गुना माइनस एस या माइनस F गुना S। इसलिए हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। किया गया कार्य तभी ऋणात्मक हो सकता है जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो, और किया गया कार्य तभी धनात्मक हो सकता है जब बल विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा हो। अब सामान ले जाते हुए इस कूली पर नजर डालो। तुम्हें क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसने कितना कार्य किया होगा? यहां बल विस्थापन की दिशा के लंबवत कार्य कर रहा है। इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। इस वीडियो में हमने कार्य यानी वर्क की वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे।